गौरीहार में जनपद स्तरीय सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन में 121 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। इसके लिए आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एसडीएम गौरीहार देवेंद्र चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से गौरीहार जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले अभिभावकों की बेटियों को परिणय सूत्र में बांधा जाएगा। विवाह सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहले से ही प्रक्रिया चलती रही है। कन्याओं के आवेदन पत्र मंगाए गए, सभी दस्तावेजों की जांच के बाद जब उन्हें विवाह के लिए पात्र पाया गया तभी उनको सामूहिक सम्मेलन में शामिल होने के लिए कहा गया है। एसडीएम ने बताया कि शासन की मंशानुरूप परिणय सूत्र में बंधने वाले जोड़ों को सामग्री हेतु चेक दी जाएगी। कन्या और वर पक्ष के बीच 20 लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई है। आयोजन के लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद, विधायक, जनपद अध्यक्ष, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, कमिश्नर और कलेक्टर आदि को आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है, इसमें सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और तैयारियां चल रही हैं। टेंट वगैरह लग गए हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। कितने विवाह हो रहे हैं इसमें? 121 जोड़ों का विवाह हो रहा है। और ये पूरे अपने ब्लॉक के होंगे सभी जोड़े? जी, ये पूरे ब्लॉक के हैं, गौरीहार के पूरे ब्लॉक के समस्त जोड़े हैं। पहले से ही ये तय था, पर एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इसमें आवेदन पत्र प्राप्त किए गए थे ऑनलाइन, जिसमें 121 आवेदन प्राप्त हुए हैं। शासन क्या क्या देगा नए जोड़ों को? इसमें शासन की तरफ से चेक से उनको राशि प्राप्त होना है, चेक की तैयारी चल रही है। चेक से मिलेगा। और सामग्री? सामग्री का जो गृहस्थी का सामान रहेगा वो सब तैयारियां होंगी। अच्छा, तो गृहस्थी का सामान नहीं देते हैं, सीधे राशि उनके खाते में आती है। और कोई जनप्रतिनिधि आमंत्रित किया गया? जी, इसमें माननीय सांसद महोदय, विधायक जी और हमारे जनपद के अध्यक्ष और जितने भी सम्मानीय गणमान्य नागरिक हैं वो सभी रहेंगे। संभावना है कि इसमें कलेक्टर सर और कमिश्नर सर भी आने की संभावना है। और इसमें जो है माननीय सीएम सर जो है वो ऑनलाइन इसमें लिंक से जुड़ेंगे इसमें। थैंक यू सर।